हाँ जी, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रॉयल एनफील्ड 350 cc कि आप स्लो सेटिंग कैसे कर सकते हो, स्लो में आप दुग दुग वाली साउंड कैसे बना सकते हो, और आप कोई भी उसकी मतलब वीडियो रील बना सकते हो कोई शॉर्ट मतलब बनाने के लिए, जो अपने वीडियो आजकल देखते हैं ट्रेंड चला है कि दुग दुग वाली आवाज़ का, वो मैं आपको करके दिखाऊँगा इसका। सबसे पहले आपने इसको अपने बुलेट को स्टार्ट कर लेनी है, और ये अपना जो नट होता है इसको थोड़ा आरपीएम स्लो कर देना है सबसे पहले। तो स्लो करने के बाद आप देख सकते हो इसकी साउंड, और अब मैं हैवी साउंड आपको करके दिखाऊंगा एक ट्रिक की मदद से। देखो साउंड कितनी हैवी होगी पहले से। ये ट्रिक ये है कि आप देख लो, जैसे आपकी बाइक ऐसे नॉर्मल में खड़ी है, ऐसे नॉर्मल में भी इसकी आवाज़ बहुत बढ़िया है। से नॉर्मल मोड में अपनी बाइक जैसे खड़ी है, और आपने इसको किल स्विच को ऑन ऑफ कर देना एकदम से ऐसे ऐसे। थोड़ा सा पहले आरपीएम स्लो कर लेना, मैंने थोड़े तेज कर दिए थे, हल्का सा आरपीएम स्लो करके उसे नट को, और इसको ऐसे अब देखो अब आप देख सकते हो साउंड कितनी बढ़िया होगी इसकी। फुल हैवी साउंड आप ऐसे हैवी साउंड बना सकते हो। वो कार्बेटर वाले बुलेट की हो जाएगी, लेकिन BS6 की ये नहीं होएगी। और आप इसको आरपीएम को तेज करना चाहते हो, इसको नट को ऐसे, ये आप क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, अब साउंड थोड़ी सी वो हो जाएगी, आरपीएम ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो मैं इसको घुमा रहा हूँ तो आरपीएम बढ़ रहे हैं अपने आप। इसको थोड़ा सा कम कर दूँगा तो ये कम हो जाएंगे, ये देखो। अगर वीडियो बढ़िया लगी तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक।